जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है अपना है गणित पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है अपना देखो, गणित दो पार्ट में बांटा गया है। यहाँ एक 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र आएगा यानी कि पेडागोजी, और 15 नंबर का आपका आएगा क्वेश्चन बेस। तो इस तरीके से आपका सिलेबस बांटा गया इस बार है। तो ये जो 15 नंबर के लिए पेडागोजी है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैं जल्दी से टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए, तो यहाँ से जो न्यू है सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं यहाँ से शिक्षण शास्त्र का। तो देखिए यहाँ से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आने की पूरी पूरी संभावना होती है। किसी विद्यार्थी का पूर्णांकों, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों संक्रियाओं जोड़ घटाव गुणा और भाग की समर्थता प्रदर्शित करती है उस विद्यार्थी की उत्पादन अवस्था को, गैर उत्पादन अवस्था को, विभाजनात्मक अवस्था को, संक्रियात्मक अवस्था। मतलब कि मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, जो विद्यार्थी जोड़ गुणा भाग घटाना ये सारी चीज़ें जानता है तो वो किस तरीके का, यानी कि तो यहाँ से अगर मैं बात सर आंसर की बात करूँ संक्रियात्मक अवस्था, तो याद रखना क्या आंसर हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिसकैलकुलिया संबंधित है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लेखन अक्षमता से, वाचन अक्षमता से, संख्या और परिकलन की समस्या से, दृश्य स्थानिक समस्या से। तो यहाँ से जो आपको बताना था डिसकैलकुलिया, तो देखिए आपको डिसकैलकुलिया है यहाँ से आपको जो बताना है। तो यहाँ से अगर मैं सेकंड के आंसर की बात करूँ, संख्याओं और परिकलन की समस्या से, तो याद रखना। तो जो डिसकैलकुलिया आपको जो बताना है कमेंट बॉक्स में, आपके लिए होमवर्क है। लेखन अक्षमता से संबंधित क्या होता है उसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पाठ योजना की प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। विषय वस्तु का चुनाव और संगठन करना, बच्चों का मूल्यांकन करना, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की परिभाषित करना को, शिक्षण विधियों, प्रविधियों एवं क्रियाकलापों का चुनाव करना। तो ये है आपको जो बताना था पाठ योजनाओं की प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन इस तरीके से हैं कि उपरोक्त सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ से अगर मैं सही क्रम की बात करूँ तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ देखो इनको सही पाठ योजनाओं को, तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये जो सभी है उद्देश्यों लक्ष्य को परिभाषित करना, फिर आपका जो सेकंड हो जाएगा विषय वस्तु का चुनाव एवं संगठन करना कि आप किस पर क्या कर रहे हैं, आपका पहला उद्देश्य और क्या। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ शिक्षण विधियों, फिर विधियों क्रियाकलापों का चुनाव करना, बच्चों का मूल्यांकन, फाइनल जाके मूल्यांकन कि उन्होंने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। तो इस तरीके का आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। फिर जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा लिया था हम लोगों ने, विषय वस्तु का चुनाव संगठन यानी कि फर्स्ट, फिर जो लिया था फोर, फिर जाके लास्ट में लिया था सिक्स। तो ये आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर, सेकंड, तो ये ऑप्शन कौन सा बनता है, यहां से थर्ड से शुरू होता है बी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से बी जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 4, शिक्षण गणित शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करें या कर, साधारण ब्याज निकालने के सूत्र का निर्माण किया जाता है, रूढ़ संख्याओं का ज्ञान दिया जा सकता है, बीजगणित के सूत्र की स्थापना की जा सकती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो आपका, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, निगमन, विश्लेषण, समस्या समाधान, संश्लेषण। तो 4 का जो 5 का जो आंसर हो जाएगा जो निगमन जो विधि है वो रटने की ओर जोर देती है। तो याद रखना यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट।
तो ये तुम्हारे 5th क्वेश्चन हो जाते हैं और आप लोग अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर है जो आपका 6। कई बार बच्चों को सवाल समझ में नहीं आता है परंतु बच्चे शिक्षक से पूछते नहीं, यह दर्शाता है कि बच्चों को गणित से भय लगता है, बच्चों को गणित में आनंद नहीं आता है, बच्चों का व्यवहार मित्रवत नहीं है, बच्चे अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। तो यहाँ से आपको जो बताना था कि कई बार जो बच्चों को सवाल समझ में नहीं आता है परंतु बच्चे नहीं पूछते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो जो 6 का आपका आंसर हो जाएगा, शिक्षक का व्यवहार मित्रवत नहीं है, तभी बच्चे क्या, या तो बच्चों को डर लग रहा होगा या बच्चों को लगेगा कि बेइज्जती हो जाएगी, तो ये कुछ भी हो सकता है कारण। तो आंसर जो आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस कथन से पता चलता है कि बच्चों में गणितीय सोच का विकास हो रहा है? जब बच्चे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़कर गणित का आनंद लेते हैं, गणित संबंधी चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगले ऑप्शन है, अपने अपने तर्क की पुष्टि के लिए तर्क देते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो 7 का आपको जो बताना था, मैं एक बार क्वेश्चन बता दूँ कि निम्न में से किस कथन से पता चलता है कि बच्चों में गणित यह सोच का विकास हो रहा है? तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन, दैनिक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़कर, गणित संबंधी चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आगे हैं अपने अपने तर्क की पुष्टि के लिए तर्क देखते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित के एक शिक्षक ने बच्चों को खुद तिरंगा झंडा बनाने और उसमें रंग भरने को कहा, इस गतिविधि के द्वारा शिक्षक बच्चों को, तो ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया है, सी टेट में भी आया है, को बताना चाहता है हमारे देश का झंडा कैसा है, को देश के झंडे के महत्व को बताना चाहता है, को देश के झंडे के विषय के ज्ञान को जानना चाहता है, मैं भिन्न की अवधारणा की समझ विकसित करना चाहता है। तो यहाँ से जो आपका 8 का आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये था कि गणित के शिक्षक ने बच्चों को खुद तिरंगा झंडा बनाने और उसमें रंग भरने को कहा, इस गतिविधि का जो उद्देश्य हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैं भिन्न की अवधारणा की समझ विकसित। देखिए अगर मान लीजिए अपना है प्यारा सा, यहाँ से मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये कलर है, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए ये कलर भर दिया, एक रेड भर दिया, एक ब्लैक भर दिया, फिर पूछ देगा कि यानी कि ये पूरे का क्या हो जाएगा, 1/3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आंसर यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित में सन्निकट यानी कि अप्रोक्सीमेशन और स्पष्टीकरण यानी कि ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन बहुत बार बताया है कि कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, अनुमान लगाने के कौशल, स्थित विश्लेषण के कौशल, अमूर्तता के कौशल, सादृश्यता के कौशल, तो यहाँ से जो 9 का आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या होते हैं, अनुमान लगाने के कौशल। तो जो अप्रोक्सीमेशन, मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि एक लगभग में आप अगर मान लीजिए 55.56 मान लीजिए, तो आप इसे 55 मान के सॉल्व कर सकते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि 15 का भाग देना है 55., तो यहाँ से 15 यानी कि 5 के लगभग लगभग कुछ, ऐसे मान लीजिए 2 दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दशमलव की अवधारणा समझने के लिए बच्चों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए, जोड़ का, घटाव का, भाग का, स्थानीय मान। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा बन जाता है हमारे लिए, क्या हो जाएगा, अगर दशमलव की अगर अवधारणा जानना है तो आंसर क्या होना चाहिए, स्थानीय मान, जैसे कि 2.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इकाई, ढाई, तो आप तुरंत बता देंगे किसके बाद है, कितनी संख्या बाद दशमलव है।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के सेशन के 10 क्वेश्चन। ये आपके नीचे उत्तरमाला है जो कि आपको पीडीएफ मिली जाएगी। टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, सिद्धार्था सर नेम से सर्च करना है। अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।